हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरयाल इंग्लिश क्लासेस। नरयाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑफ द लेसन द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। सो लेट अस डिस्कस ऑल द टेक्सचुअल क्वेश्चन वन बाय वन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन रीडर से पूछा गया है उसमें पॉजिटिव व्यूज मांगे हैं इंटरव्यू के बारे में। पॉजिटिव व्यूज का मतलब होता है गुड ओपिनियन, जो अच्छी राय है वो आपने इसमें लिखनी है। तो हमने लेसन में पढ़ा था कि इंटरव्यूज दे आर सेड टू बी द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ। इंटरव्यूज को एक सच्चाई का बहुत बढ़िया साधन बताया था और ये भी कहा था कि इंटरव्यू जो लेना है या देना है वो एक कला है। सो इट इज ए फॉर्म ऑफ एन आर्ट। Moreover, it is very useful medium of communication. और ये विचारों के आदान प्रदान का भी एक बहुत अच्छा साधन है। तो ये आप चीजें इस क्वेश्चन में ऐड करेंगे आंसर के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड। तो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया, सेलिब्रिटीज जो होते हैं, सेलिब्रिटी किसको कहेंगे, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है जैसे अमिताभ बच्चन, कोई भी बड़ा क्रिकेटर है या पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन है या अगर राइटर है, रिनाउंड राइटर है, उसको हम सेलिब्रिटी कहेंगे। तो सेलिब्रिटी ज्यादातर इंटरव्यू देने से नफरत क्यों करते हैं। डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना, टू हेट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव व्यूज मांगे गए थे तो यहाँ नेगेटिव व्यूज की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी राइटर दे डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे कंसीडर इट अनवॉरंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। वो अपने जीवन में इसको अनचाही दखल अंदाजी मानते हैं। सो दे हैव अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। उनके दिमाग में जो इंटरव्यू लेने वाला होता है इंटरव्यूअर, उसका डर होता है। यहाँ रुडयार्ड किपलिंग की बात करें तो उसने इसको इमोरल एक्ट कहा था। सो रुडयार्ड किपलिंग सेज दैट इट इज एन इमोरल एक्ट एंड इट मेरिट्स पनिशमेंट। तो ये चीज आप इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर टू का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। प्रिमिटिव कल्चर किसको कहेंगे, जो हमारा आदिम संस्कृति है, कल्चर होता है संस्कृति। और प्रिमिटिव का मतलब हो गया बिलोंगिंग टू द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो उसको हम प्रिमिटिव कहेंगे। तो प्रिमिटिव कल्चर में अगर कोई किसी का फोटोग्राफ ले लेता था तो उसमें क्या माना जाता था। तो इफ समबडी इज फोटोग्राफ्ड बाय समवन इट मींस ही इज स्टीलिंग हिज सोल। अगर कोई किसी का फोटो खींच रहा है तो इसका मतलब वो उसकी आत्मा को चुरा रहा है, यही जो आदिम संस्कृति थी उसमें कहा जाता था। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है थंब प्रिंट ऑन विंड पाइप, इसको आपने इसका मतलब बताना है कि व्हाट डज इट मीन। तो थंब प्रिंट किसको कहेंगे, जो अंगूठे का निशान होता है उसको हम कहेंगे। तो विंड पाइप यहाँ पर ये गले को कहा जा रहा है। अगर आप यहाँ पर गले पर अंगूठा रखते हैं इट मीन्स आप अंगूठे को प्रेस करते हैं तो आप किसी आदमी को घुटन महसूस करवा रहे हैं, उसका सांस जो है वो उसको दबा रहे हैं। तो इट मींस आप लिख सकते हैं थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप मींस गिविंग समबडी अ फीलिंग ऑफ डीप पेन और सफोकेशन। तो ये आपका इसका आंसर लिखेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who in today's world is our chief source of information about personalities? About personalities mean celebrities. जो भी आज की डेट में personalities हैं, उनकी जो भी information है अगर हम तक पहुंच रही है आज की दुनिया में in today's world, so what is our chief source for that? तो वो जो information है उसका मुख्य साधन क्या है? Chief source का मतलब हो गया main source. तो इसमें हम लिखेंगे इन टूडेज वर्ल्ड अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज इज द इंटरव्यूअर। कौन है हमारा चीफ सोर्स? द इंटरव्यूअर। जो भी इंटरव्यूअर इंटरव्यू से हमारे सामने जो भी आंसर आते हैं हम तभी जान पाते हैं पर्सनैलिटीज के बारे में। सो हम लिख सकते हैं कि इंटरव्यूअर इज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन टूडेज वर्ल्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डू यू थिंक उम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड? क्या आप ऐसा समझते हैं कि उम्बर्टो इको जो था वो उसको इंटरव्यू देना पसंद था? सो गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन। तो ये जो आपकी जो, अगर आप ऐसा समझते हैं तो आपने इसके लिए कारण बताना है। आप ओपिनियन का मतलब होता है राय, तो आपने अपनी राय देनी है। तो हमने जो सेकंड पार्ट था इसका, इन द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन वेयर अ पीस ऑफ एन इंटरव्यू बिटवीन मुकंद एंड उम्बर्टो इको वाज गिवन, सो वी रेड दैट पीस एंड वी केम टू नो दैट उम्बर्टो इको वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू गिव द इंटरव्यू टू मुकंद बिकॉज ही वाज आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मुकंद वेरी पेशेंटली एंड नाइसली। तो हम कह सकते हैं कि उम्बर्टो इको जो था वो इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड था। तो ये तो था उम्बर्टो इको के बारे में, क्योंकि उसने सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही रुचिपूर्ण दिए। ही वॉज गिविंग ऑल द आंसर वेरी पेशेंटली एंड इंटरेस्टिंगली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इको जो है वो इतना ज़्यादा लिखने के लिए टाइम कैसे निकाल लेता है। तो यहाँ ये भी सेकंड पार्ट से ही है इंटरव्यू का, उसमें हमने पढ़ा था कि इको जो है ही टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में जो खाली समय है, जो लेजर टाइम है, उसकी बात करता है कि मैंने जो भी लिखा वो मैंने एम्प्टी स्पेसेस में लिखा। इट मींस ही रोट नॉवेल्स ऑन संडेज। तो ये इसकी हेडिंग भी था सेकंड पार्ट का कि आई राइट नॉवेल्स ऑन संडेज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इको यूजेस हिज एम्प्टी स्पेसेस फॉर हिज राइटिंग वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इको'स एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। तो जो इको का जो राइटिंग स्टाइल था वो किस तरह औरों से अलग था। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है कि वो उसमें क्या विशेषता थी, हाउ इट वाज डिफर फ्रॉम द अदर राइटर्स, जो दूसरे राइटर्स थे उससे वो कैसे भिन्न था। तो उसके, अगर हम इको के एकेडमिक स्टाइल की बात करें तो दैट वाज वेरी मच प्लेफुल एंड जोली। On the other hand, the writing styles of the other academic person that was dull and boring, जो दूसरे academic writer हुआ करते थे उनका writing style होता था नीरस, dull and boring. On the other hand, the writing style of Eco that was very much fun loving, वो एक बहुत ही बढ़िया था, interesting था। तो यहाँ तक हम बात करें, अगर उसके essays की भी बात करें तो it has a narrative aspect even for essays also. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड उम्बर्टो इको कंसीडर हिमसेल्फ अ नॉवलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर। तो उम्बर्टो इको की बात की जा रही है कि उम्बर्टो इको अपने आप को पहले क्या समझता है, नॉवलिस्ट समझता है अपने आप को या फिर एकेडमिक स्कॉलर समझता है। तो हमने लेसन में पढ़ा था कि उम्बर्टो इको ही वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर था एंड ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवल एट द एज ऑफ 50। तो उसने ज़्यादातर काम एज ए प्रोफेसर किया, लेकिन जब वो 50 वर्ष का हो गया तो उसने उस दौरान नॉवल लिखना शुरू किया। सो हम लिख सकते हैं इसका आंसर कि ही वॉज एन एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट, आफ्टर दैट ही वॉज ए नॉवलिस्ट। वो एकेडमिक स्कॉलर पहले था, उसके बाद नॉवलिस्ट था। सो हिज फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज हिज प्रोफेशन, दैट इज his profession as a teacher. After that, the secondary thing was to write novels for Eco. तो Eco के लिए जो novel लिखना था वो secondary thing थी, और उसने ये add भी किया था कि he started writing novel just by chance. तो ये तो हो गया आपका question number 9 का answer. Question number 10 है, what is the reason for the huge success of the novel, The Name of the Rose? ये आपकी जो नेम ऑफ द रोज आपने पढ़ी थी सेकंड पीस में, इसके सेकंड पार्ट में, तो जो नेम ऑफ द रोज नॉवेल जो थी, इट वाज ए ह्यूज सक्सेस फॉर उम्बर्टो इको। ये उम्बर्टो इको के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। तो इसकी जो अपार सफलता है, ह्यूज सक्सेस है, उसके बारे में पूछा गया है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल।
तो इसकी इतनी सफलता इसको क्यों मिली? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि द सक्सेस ऑफ नोवल द नेम ऑफ द रोज वॉज अ मिस्ट्री बिकॉज उम्बर्टो इको सेज दैट इट वॉज अ मिस्ट्री एंड इट हैज मैनी एस्पेक्ट्स देर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ दिस नोवल। तो इस नोवल के बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसकी सफलता को सफलता के कारण है। जैसे हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि बहुत सही समय पर इसको लिखा गया था और मोर ओवर इट वॉज ए स्टोरी इट वॉज ए डिटेक्टिव स्टोरी ये एक जासूसी कहानी थी एंड इट वॉज इंटरवोवन विद मेटाफिजिक्स इथिकल एंड द मीडिएवल हिस्ट्री। तो उम्बर्टो इको ने इसमें ये भी ऐड किया था कि जो पब्लिशर्स जो थे दे वर एक्सपेक्टिंग दैट ओनली 3,000 कॉपीज ऑफ दिस नॉवल विल बी सोल्ड बट आफ्टर द सक्सेस ऑफ द नॉवल 10 to 15 million कॉपीज ऑफ दिस नॉवल वर सोल्ड एट दैट टाइम। सो वी कैन से दैट द सक्सेस ऑफ दिस नॉवल वॉज अ मिस्ट्री। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन जो इसमें मैंने ऐड किया था। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।